जिंदगी अजब पहेली है, जिन बच्चों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, जिनकी खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियां लुटा दी, जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने घर से बेघर कर डाला। दिल्ली का गुरुकुल आश्रम, और इस आश्रम में सैकड़ों बुजुर्ग एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में उन लोगों को भी एक नसीहत दे रहे हैं जिन्होंने इन बुजुर्गों की सुध नहीं ली, और नसीहत ये कि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। इन तमाम किरदारों की जिंदगी अलग अलग मोड़ से होती हुई अब महिपालपुर के इस गुरुकुल में आ सिमटी है। अब यही गुरुकुल इनका परिवार है, यही उनका घर और मोहल्ला है। यहाँ गम भी हैं, खुशियां भी हैं, अपने भी हैं और पराए भी हैं। बुढ़ापे ने सबको एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो कभी इनके अपने थे, हर पल जिनके लिए ये बुजुर्ग जिए और मरे, अब उन्होंने इनसे किनारा कर लिया है, ये सोचे बगैर कि बुढ़ापा जिंदगी की कड़वी सच्चाई है और इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन इस बुढ़ापे का सामना करना है। फिर भी उम्र के जिस पड़ाव में लोगों को सबसे ज्यादा अपनों की मदद की दरकार होती है, उस उम्र में इनके अपनों ने इनसे किनारा कर लिया है। ऐसे में इन बुजुर्गों ने महिपालपुर के इसी गुरुकुल को अपना आशियाना बना लिया है। बुढ़ापा एक बोझ है, परिवार के लिए एक अवरोधक, इस प्रगतिशील समाज के लिए सोचो, सोचो जरा, मनन करो, कुछ विचारो, क्योंकि कल हमें भी उसी चौखट से गुजरना है। लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं, कमा रहे होते हैं, तो बूढ़े उन्हें बोझ लगने लगते हैं, घर में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। और फिर आज्ञाकौर की तरह एक दिन ये बुजुर्ग किसी वृद्धाश्रम या फिर ऐसे ही किसी गुरुकुल में अपना आखिरी वक्त काटने आ जाते हैं। बीच वाला धर्म का मालिक है, और वो फिर ठीक है, वो भी नहीं रख रहे। इधर देखो, जब मैं मेरे पास चलो पैसे एक नहीं मानो पैसा सब मैंने आपको दे दिया, तो दूसरा मेरे को कौन पूछेगा, इसे सब कुछ दे दिया। इस बुजुर्ग माँ के तीन बेटे और एक बेटी है, सब अच्छी तरह से कमा खा रहे हैं। 85 साल की ये बुजुर्ग माँ खुद कहती है कि उनका एक बेटा तो अरबों का मालिक है, बाकी दो भी ठीक ठाक कमा रहे हैं। छोटे बेटे के साथ कई साल रही, लेकिन एक दिन उसने भी माँ के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। बाप का बाप देखा, मैं उसका बाप देखा, पर तुमने क्या देखा, क्या देखा? गुस्सा तो आता होगा, गुस्सा आता होगा, गुस्सा आता होगा बच्चों को। उसने बोला, बेटी आप आ गए, मैं कहा क्या बात हो गई, मैं कहा जब तुम मेरे को पीटा बोलती कुछ टूट गया, फिर बड़े भाई सुखी हैं, मैंने कोई उठा रखा तेरे ठेका तू ले, मैं कहा अब मैं नहीं आऊंगी, कहता कपड़े ले जाओ, मैं दे जाओ, कहता अब देखो मैं अब आते हैं आपसे मिलने ना, कौन आएगा। आज्ञा कौर की उम्र अब 85 साल की है, 46 साल पहले पति का साथ छूट गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर एक माँ हार जाती तो तीन तीन बच्चों का क्या होता। उन्होंने सिलाई कढ़ाई और दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों की जिंदगी संवारने में खुद को झोंक दिया, लेकिन अब बच्चों की याद आने के सवाल पर आंखें भराती हैं, और बस यही निकलता है कि गुरुकुल ही अब उनका घर है और जिंदगी के बचे हुए साल वो यही गुजार लेना चाहती है। जब लड़का हो के माँ को बोलेगा तू आराम किए, जब मैं पैदा ही पास था पास था, तू छोटा है सब, तू खा लिया माँ को, मैं खा लिया, मैं
बड़े हुए तो कुछ नहीं, जब तू पैदा तो दूसरी तीसरी में पढ़ता, तेरा पापा चले गया, तूने खाया पापा को। लेकिन शोमिंद्रनाथ चटर्जी के दिल के घाव ऐसे हैं जिन्हें दुनिया का कोई कोना नहीं भर पाया। उन्होंने एक अंग्रेज महिला से शादी रचाई, दो बच्चे भी हुए, लेकिन एक दिन पत्नी बच्चों को साथ लेकर सात समंदर पार चली गई। गम और तन्हाई में डूबे शोमिंद्र बाबू को माँ ने सहारा दिया, लेकिन एक दिन माँ का साया भी उठ गया, फिर अकेलापन और बुढ़ापा उन्हें घेरने लगा और एक दिन उन्होंने गुरुकुल का रास्ता पकड़ लिया। गुरुकुल के हालात तो बेहतर नहीं है, लेकिन अपने जैसे तमाम साथियों को यहाँ पाकर शोमिंद्र बाबू बहुत खुश हैं और जिंदगी के गम भूलकर एक नए परिवार से जुड़ गए हैं और अब जिंदगी में सुकून भी लौटने लगा है। लेकिन इन बुजुर्गों को अपनों ने जो घाव दिए हैं वो बार बार उन्हें गम सदा करते हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमारे समाज की वो सच्चाई है जिसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि उम्र के आखिरी मुकाम पर कोई भी अपनों को छोड़कर किसी आश्रम में नहीं जाना चाहता। किसी के तीन बेटे हैं, इसके बावजूद वो बेघर है। किसी की मजबूरी है अपनों से दूर रहने की, कोई सरकार की अनदेखी की वजह से आश्रय का सहारा ले रहा है। कुछ भी कहिए, आज के इस तेजी से बदलते जमाने में हम में से ज्यादातर लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, लेकिन जरूरत है संवेदनशील रहने की, तभी हमारे बुजुर्गों को, हमारे ऐसे लोगों को अपनों का साथ और सहारा दोनों मिल सकता है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। महिपालपुर में एनजीओ द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन गुरुकुल नाम का आश्रम चला रहा है। बिना किसी सरकारी मदद के चल रहे इस एनजीओ में जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके तमाम बुजुर्ग रहते हैं। यहां उन्हें घर जैसा माहौल देने की कोशिश की जाती है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ और बुजुर्गों की दास्तान जिन्हें अपनों ने ही बेसहारा कर दिया। कहते हैं जब दर्द की इंतहा होती है तो वही दवा बन जाती है। फाइनेंस कंसल्टेंट प्रणव राय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से वो मायानगरी मुंबई को चुपचाप अलविदा बोलकर दिल्ली के इस आश्रम में आ गए। यहाँ आने से पहले उन्होंने अपने दोनों बेटों से भी कोई राय नहीं ली और नहीं अपनी जिंदगी के इस सबसे मुश्किल फैसले के बारे में कुछ बताया। आखिर बताते भी तो क्या। हाथ पांव कांप रहे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। किताबों में खोए रहने वाले प्रणव बाबू के दो बेटे हैं, जिनमें से एक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील है और दूसरा विदेश में रहता है, लेकिन दोनों के पास अपने बुजुर्ग पिता के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में घर में एकांत और तन्हा जिंदगी भोगने के बजाय इस बुजुर्ग ने गुरुकुल का रुख किया। यहां उन्हें घर की याद सताती है, लेकिन बेटों के सामने वो झुकना नहीं चाहते। सम्मान की कीमत पर अपना बुढ़ापा काटना उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में किताबों और गुरुकुल के साथियों के साथ अब वक्त काट रहे हैं। मिलने कितनी बार आते हैं आपसे? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। तो आप उनसे बातचीत करते हैं कैसे? किससे बातचीत करते हैं? फोन से, मेल से, कैसे? बातचीत किए नहीं तो बातचीत करने का सवाल नहीं है। बातचीत नहीं हो रही है। याद आती है आपको उनकी? आती है, नहीं भी आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बुढ़ापे में जब बेटे साथ छोड़ जाते हैं तो बेटियां मदद को आगे आती हैं। लेकिन वक्त की मार देखिए कि कमलेश दत्ता को जब सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ी तो उन्हें अपनों के यहाँ छत भी नसीब नहीं हुई। छोड़
इस बुजुर्ग महिला का कोई बेटा नहीं है, लेकिन तीन बेटियां हैं। तीनों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उन्हें ससुराल विदा किया। जिंदगी मजे से चल रही थी, हाथ पैर जब तक चल रहे थे, बड़ी बेटी ने उन्हें सहारा दिया। वो बेटी के ससुराल जाकर रहने लगी, लेकिन जब बुढ़ापा हावी होने लगा और कमलेश की मुश्किलें बढ़ने लगी, तो बेटी ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। मेरी तीन बेटी हैं, बेटा नहीं है। तीन बेटियां, क्या करती है? बेटियों की शादी हो गई? बेटियों की शादी हो गई बेटा, वो अपने अपने घर में चली गई। तो फिर 5 साल बड़ी बेटी ने रखा, उसने आँख का ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद वो कहने लगे मैं नहीं रख सकती, मैं सास ससुर वाली हूँ, मेरे जेठ हैं, उनका रखूँ या आपको रखूँ। छोटी को बोला तो वो कहने लगी हमारी रहने की प्रॉब्लम है, एक एक कमरा है, कैसे रखूँ। फिर मैं लाजपत नगर गई, हमारे पड़ोसी थे, तो पड़ोसियों ने फिर मेरे को यहाँ छोड़ा, वो करने गए। दामादों ने कुछ नहीं कहा आपको अपने साथ? तो बड़े ने रखा बेटा था, तो छोटे दामाद तो कुछ बोलते नहीं मेरे से ज़्यादा, लड़कियाँ ही कहने लगी, कहने की भाई हमारे रहने की जगह मुश्किल है, एक एक कमरा कैसे रहे। ठीक, तो आते हैं आपसे मिलने जुलने आते हैं? छोटे वाले आए, छोटे वाले लड़के आए थे एक बार। कमलेश की आंखों में संघर्षों से भरा वो सफर अब भी कौंधता है, जिस पर चलकर उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ा किया और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीना सिखाया। लेकिन बुढ़ापे में जब बेटियों ने उन्हें आश्रम के हवाले कर दिया, तब भी उनके मन में बेटियों के लिए कोई मैल नहीं है। अब भी वो कहती है कि उनकी बेटियां खरा सोना है, वो अपनी माँ को दुख सहते नहीं देख सकती, लेकिन ससुराल की मजबूरियां उन्हें ऐसा करने को मजबूर करती हैं। इस माँ ने जन्म दिया है, उसको दुख आता है, लेकिन बेटियां पता नहीं अपने ससुराल में मजबूर हैं, मैं नहीं कह सकती उनको क्या है। तो पता नहीं किस मजबूरी से वो नहीं रखती, नहीं तो मेरी बेटियां बहुत अच्छी थी, उनके पापा की डेथ हो गई थी तो मेरी उन्होंने बहुत मदद की, मेरी बहुत सहायता की, क्रेच खोला, क्रेच के साथ उन्होंने बच्चे भी पाले, नौकरियां भी की हैं, मेरे साथ सारा काम। अब शादी के बाद ससुराल जाके, अब ससुराल वाले ना जाने कैसे हैं वो मेरे को नहीं बताती, वो कहते हैं वो सोचती है हमारी माँ आ गई दुखी है, हम नहीं बताते। महिपालपुर के इस आश्रम में ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जो सुख दुख से भरी हैं। इस आश्रम में ज्यादातर लोग वही हैं जिन्हें या तो घर के लोग छोड़ गए या फिर कभी वापस नहीं आए, या जो खुद अपना घर छोड़कर यहां आ गए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सड़क से उठाकर यहां लाया गया था, क्योंकि उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया था और वो भूख से मरते, बीमारी से लड़ते सड़क पर जूझ रहे थे। यहाँ पे 7 साल हो गए काम करते हुए, और मैंने 7 साल में हर तरह का इंसान देखा है। फैमिली वाले हैं, इनको छोड़ के जाते हैं, कुछ हैं जो रोड साइड में हम देखते हैं इतनी बुरी कंडीशन में होते हैं, कूड़ा खा रहे होते हो, तो हमें बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देख के। तो हमने उन लोगों को भी देखा है और उन लोगों को हमने ठीक होते हुए देखा है, घरों में यूनाइट होते हुए भी देखा हुआ है। लेकिन बहुत बुरा लगता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, रोड साइड देखते हैं, कचरा खा रहे हैं, तो हम मुझे वहाँ तसल्ली होती है जहाँ पे मैं उनको ठीक होते यहाँ पे देखती हूँ। जब हमारे गुरुकुल में आते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हम हर तरह की उनको कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह की फैसिलिटी मिले। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका मालिक ऊपर वाला होता है। ये गुरुकुल भी अपनों से और समाज से ठुकराए गए लोगों के लिए वरदान है, जहां जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उनका ख्याल रखा जा रहा है।
इस गुरुकुल में सिर्फ बेसहारा बुजुर्ग नहीं है बल्कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, जो बेडरिडन हैं, या फिर जिन्हें दिल्ली पुलिस कोर्ट या फिर दिल्ली के जिम्मेदार नागरिकों ने रेस्क्यू कर इस आश्रम तक पहुँचाया है। ये आश्रम उनके लिए सिर्फ ठिकाना नहीं है बल्कि यहाँ रहकर उनकी सेहत में और उनके दिमागी हालत में भी काफी सुधार देखने को मिला है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। इन बुजुर्गों को माहौल देने के लिए, घर जैसा एक आसरा देने के लिए इस आनंदलोक आश्रम को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्या मुश्किलें हैं इसकी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुजुर्गों के लिए आसरा बने आनंद लोक आश्रम के सामने बड़ा संकट है और ये संकट जमीन और एक निश्चित ठिकाने को लेकर है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक की तमाम सरकारों को चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। फिर भी मानवता के लिए प्रतिबद्ध कर्मयोगी रवि कालरा की ये लड़ाई जारी है। अब इन एनजीओ से कई विदेशी वॉलंटियर्स भी जुड़ गए हैं। देखिए रोशनी ठोकने की रिपोर्ट। अगर इस दुनिया में फरिश्ते वाकई हैं और उनका अक्स इंसानी रूप में है तो निश्चित तौर पर रवि कालरा किसी फरिश्ते से कम नहीं है। इस आनंद लोक आश्रम की स्थापना और इसे चलाने में जैसी अड़चने आती रही हैं, उन्हें पार करना किसी फरिश्ते के बस की ही बात है। तभी तो गुरुकुल में रहने वाले बुजुर्गों से लेकर यहाँ काम करने वाले वॉलंटियर्स तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते। करे भी क्यों ना, रात हो या दिन, रवि कालरा हर वक्त अपने यहाँ शरण लिए लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनके सुख दुख में वो हर पल शामिल रहते हैं। बहुत ही 24 आवर्स, आप कभी भी चेक कीजिएगा, 3 बजे 2 बजे रात में फोन कीजिएगा, लगेगा एक चौकीदार के तरह वो हमेशा जगे रहते हैं और जितने भी यहाँ दिन दुखिया है उनकी खबर लेते रहते हैं। मानवता के इस जंग में रवि के साथ तकरीबन 30 वॉलंटियर्स हैं, जो दिन रात एक करके बुजुर्गों और आश्रम में आने वाले बेसहारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है फ्रांसियाई अलेक्जेंड्रा का। पेशे से नर्स अलेक्जेंड्रा को दिल्ली के किसी भी बड़े अस्पताल में बढ़िया सी नौकरी मिल सकती थी लेकिन उन्होंने आराम तलबी को नहीं सेवा को अपना मकसद बनाया। वो रोजाना गुड़गांव से महिपालपुर तक आती हैं और आश्रम में रह रहे लोगों की सेहत की जांच करती हैं, उन्हें सेहतमंद रखने के उपाय भी बताती हैं। उनकी भाषा भले ही जुदा है लेकिन कहते हैं बेसहारा और बुजुर्गों की सेवा में भाषा कभी आड़े नहीं आती। I will stay 1 year because my husband works in Gorgon for French company. And me, I'm a French nurse and I like to work for NGO. I have found this one. विदेशी वॉलंटियर्स का आना जाना यहाँ लगा रहता है लेकिन कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो इस गुरुकुल से शुरुआत से जुड़े हैं। किसी का काम रजिस्ट्रेशन करना है तो कोई काउंसलिंग में मदद करता है। इंसानियत के चेहरे वाकई काबिले तारीफ है। टेंट के नीचे रहना, काम करना, आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना लेकिन हम कोशिश करते हैं फिर भी कि और लोग भी हमसे मोटिवेट हो क्योंकि हम इन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि हमें लेविश ऑफिस मिले तो फिर हम ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें लेविश जो ऑफिस है वो भी छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि मानसिक बीमार बेघर भी रहते हैं। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके कभी दर्द छिपा लेते हैं तो कभी भगवान के भजनों को सुनकर सुकून की तलाश करते हैं लेकिन सच तो ये है कि अपनों की बेरुखी से ये इतने टूट चुके हैं कि इनके दर्द को समेटने के लिए एक नहीं बल्कि हर एक में रवि कालरा चाहिए। गुरुकुल में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए विदेशों से भी लोग आ रहे हैं।
दिल्ली के वॉलंटियर्स भी इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि पूरी तरह से गुरुकुल पर अपनी नजरें इनायत नहीं कर रही है, यानी कि अनदेखी इस कदर है कि अब ना तो गुरुकुल के रवि कालरा को दिल्ली की सरकार का सहारा है और ना ही हरियाणा की सरकार का। वो अपने दम पर इस एनजीओ को जिंदा रखना चाहते हैं और मानवता की सेवा करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। हमारी ये खास पेशकश जारी है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। मानव सेवा को समर्पित इस आश्रम में दिल्ली और देश के दूसरे शहरों से आने वाले बेसहारा बुजुर्ग भी रह रहे हैं। आश्रम का काम दान में मिलने वाले बिस्तरों और खाने से चल रहा है। आश्रम की कोशिश है कि अपनों का गम झेल रहे लोगों को घर जैसा माहौल यहाँ मिले, लेकिन स्थानीय ठिकाना नहीं होने की दिक्कत सबसे ज्यादा है। रंगपुरी पहाड़ी की जिस खाली जमीन पर फिलहाल आश्रम मौजूद है, वहां पर गर्मियों में पीने के पानी को लेकर भी दिक्कत होती है। दुनिया के सताए लोगों के लिए आसरा बनाए आश्रम खुद सरकार से आसरे की तलाश में है। फिलहाल महिपालपुर के पास रंगपुर पहाड़ी में खाली जमीन पर टीन शेड और पंडाल के सहारे आश्रम चल रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में बीमारी और मानसिक पीड़ा से जूझ रहे बुजुर्गों को यहाँ रहना वाकई ही मुश्किल भरा काम होगा। द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन नाम के इस एनजीओ का यह आश्रम कई मुश्किलें झेल रहा है। आश्रम के कर्मयोगी रवि कालरा सरकार के रुख से बेहद दुखी है। उनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से उन्हें जमीन देने में परेशानी पैदा कर रही है, उससे तो बेहतर हाल बांग्लादेशियों का है। या तो हम बांग्लादेशी से भी बुरे हो गए अपनी कंट्री के अंदर, और या फिर वोट बैंक का चक्कर है कि हम ये लोग वोट दे नहीं सकते, चुनाव में इनका हक कोई है नहीं, शायद हमें इसलिए परमिशन नहीं मिल रही। तो इसलिए बहुत दुख लगता है कि सेवा समाज की कर रहे हैं, सरकार की कर रहे हैं, और सरकार से कभी पैसे भी नहीं लिए, तो कम से कम थोड़ी दया दृष्टि उनको देनी चाहिए हमारी तरफ। दरअसल 2 साल पहले बुजुर्गों का आशियाना बना ये आश्रम वसंत कुंज में किराए की बिल्डिंग में चलता था, लेकिन लीज खत्म होने के कारण उन्हें बुजुर्गों के साथ बाहर निकलना पड़ा। फिर उन्होंने दोबारा उसे शुरू किया, लेकिन एक रोज वहाँ आग लग गई और उसमें कई जिंदगियां खाक हो गई। इस दौरान शीला सरकार ने उन्हें जमीन देने का वादा किया था, लेकिन जमीन नहीं मिली। दिल्ली से निराश होने के बाद रवि कालरा ने गुड़गांव में जमीन खरीदी, लेकिन आश्रम चलाने के लिए उन्हें गुड़गांव सरकार से एनओसी नहीं मिली। कि हम इतने हैरान हैं कि हम सब इतने कठोर दिन कैसे कठोर लोग कैसे बन गए, कि ना तो हम ध्यान देते हैं, लोग सड़कों पर जब कोई कचरा खा रहा होता है या बिना कपड़ों के घूमता है, हम उनकी तरफ नजर भी नहीं दौड़ाते। अब हम इन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, एक जीवन दान दे रहे हैं, एक सहारा दे रहे हैं, तो हमारी जमीन पर ही हमें परमिशन नहीं दी जा रही, एनओसी नहीं दिया जा रहा। और स्टेट गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई, प्रेसिडेंट साहब को भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा, सोशल वेलफेयर को भी लिखा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा साहब को भी लिखा, चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा के जो गवर्नर साहब हैं उनको भी लिखा। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें मैंने एड़ियां नहीं रगड़ी हैं। ये एनजीओ सरकार से किसी तरह का फंड नहीं लेता है, लेकिन खाने से लेकर बिस्तर तक लोग दान कर जाते हैं। ऐसे ही समाज सेवियों की मदद से रवि कालरा इस आश्रम को चला रहे हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले वॉलंटियर्स को पूरा भरोसा है कि उनकी नेक नियति एक दिन जरूर रंग दिखाएगी और उनका आनंद लोक एक दिन दुनिया का नंबर एक गुरुकुल बनकर रहेगा। जदि जमीन मिल जाए तो हमारे सर का सपना ये है कि वर्ल्ड का नंबर वन बनाऊं मैं, वर्ल्ड का नंबर वन, ना कि इंडिया का। ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। एनजीओ ने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें जमीन मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके मुश्किलों के बीच भी बेसहारा बेघरों की सेवा करने का जज्बा कायम है। साल 2013 में इस आश्रम के लोगों को सड़क पर आने को मजबूर होना पड़ा। उसके बाद शीला सरकार ने आश्वासन दिया कि इन्हें
टेम्पररी के बदले परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर एक रहने की जगह दी जाएगी, मगर हुआ कुछ भी नहीं और तब से लेकर अब तक दर बदर इस आश्रम के लोग भटक रहे हैं। गुड़गांव में जमीन ली लेकिन वहां भी एनओसी नहीं मिलने की वजह से अब हालात ये हैं कि अब महिपालपुर के इस जगह को इन लोगों ने अपना आशियाना बना रखा है और यहीं से जमीन की अपनी लड़ाई इनकी जारी है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक।